हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। खरगोन जिले के ग्राम नगर के ग्राम पंचायत भवन में स्वच्छता ही सेवा है मिशन 11 सितंबर से 27 अक्टूबर के अंतर्गत सिंगल यूज प्लास्टिक को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किए जाने हेतु गोगावा ग्राम पंचायत भवन में कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें जिला मुख्यालय से जिला समन्वयक अधिकारी HL पाटिल, ब्लॉक समन्वयक देवेंद्र यादव, पंचायत इंस्पेक्टर उदय पाटीदार, गोगावा पंचायत सचिव ओम प्रकाश यादव एवं पदाधिकारियों सहित व्यापारी गण उपस्थित थे। कार्यक्रम के प्रारंभ में दलोदा चौपाटी जिला मंदसौर की पंचायत का टीवी पर कार्यक्रम दिखाया गया है, जहां किस प्रकार स्वच्छता की गई है इसी को लेकर उक्त पंचायत को भारतवर्ष में नंबर एक आने पर सम्मान किए जाने की बात सामने आई है। जिला समन्वयक अधिकारी HL पाटिल के द्वारा बताया गया है कि कचरे का किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है उसके बारे में विस्तार से जानकारी दी गई एवं पोलोथीन में गर्म सामग्री उपयोग करने के किस प्रकार से दुष्परिणाम होते हैं और क्या बीमारियां हो सकती है इसके बारे में भी बताया गया। कार्यशाला के अंत में गोगावा पंचायत के उप सरपंच अमर सिंह कदम ने आभार व्यक्त किया। गोगावा से इकबाल हकीम की रिपोर्ट। प्लास्टिक के उपयोग का संबंध है, मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि गोगांव पंचायत द्वारा प्लास्टिक को बैन किया जाए। मेरे खुद के द्वारा ये प्रयोग कम से कम 3-4 महीने पहले से मैं शुरू कर चुका हूँ। मेरी दुकान में फोटो कापी का बिजनेस है, इसमें जो वेस्टेज पेपर निकलता था मैं खुद अपने घर में उसका लिफाफे बनवाता हूँ और उसमें फोटो को पैक करने के लिए प्लास्टिक की थैला लाता था मैं मॉल बाजार से, लेकिन अब मैंने उसको बदल के मैंने ये कराया कि अपने खुद के लिफाफे बनाता हूँ वेस्टेज पेपर का, तो वेस्टेज पेपर का उपयोग भी हो जाता है प्लस मेरे पैसे की बचत भी हो जाती है और कम से कम मेरे दिल को ये सांत्वना देती है कि मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ जिसमें प्लास्टिक का तिरस्कार कर रहा हूँ, तो मेरे दिल को बहुत बड़ी खुशी होती है। हर ग्राम पंचायत स्तर पर हर परिवार का प्रतिदिन का जो कचरा निकलता है उसमें सब्जी भाजी से लगा के भोजन से लगा कर हमारे जो गाय भैंस इसके साथ में और भी जो प्लास्टिक संबंधी कई प्रकार का कचरे हैं, जो लोग उस कचरे को अपने घरों में यत्र तत्र या व्यवस्थित रूप से निपटान नहीं करते, जिससे हर गांव आज गंदगी से भरपूर है। सरकार ने हर परिवार को शौचालय उपलब्ध करा दिया है, हमारा जिला खुले में शौच से मुक्त हो चुका है, लेकिन जो हमारा वेस्ट मटेरियल है उसका निपटान ठीक ढंग से नहीं होने से आज भी गांव हमारे गंदगी से युक्त हैं। इसको निपटान करने के लिए लोगों में जन जागृति लाने के लिए लोगों का जन सहयोग हमको मिले, हर लोग काम करें, इसी को सरकार ने स्वच्छता ही सेवा है इसका नाम दिया है और ये जिले में 11 सितंबर से 27 अक्टूबर तक लगातार चल रहा है। इसमें हमारे महाविद्यालय के छात्रों, हायर सेकेंडरी के बच्चे, गांव के लोगों, पंचायत के पदाधिकारी, कई प्रकार के लोगों ने विगत दिवसों में बहुत सराहनीय काम किया है और जिले में जन जागृति लाने का काम किया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।